शाहपुर थाना क्षेत्र के असरन चौकी के पास गुरुवार को विकास तिवारी नाम के व्यक्ति का मूर्ति विसर्जन में बदमाशों ने गोली मार दी, जिसका इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया कि जनपद में गुरुवार की शाम को एक सूचना मिली कि शाहपुर थाना क्षेत्र के असरन चौकी के पास गोली चलने की सूचना मिली है। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि विकास तिवारी नाम का व्यक्ति, जो कि मेडिकल स्टोर चलाता है, वह मूर्ति विसर्जन में जा रहा था। एक व्यक्ति के साथ विवाद होने पर वहां पर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें विकास तिवारी को गोली लग गई। तत्काल पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा हालत नाजुक देखकर लखनऊ पीजीआई के लिए रवाना किया गया। लखनऊ पहुंचने से पहले ही घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घटना में शामिल फायर करने वाले व्यक्ति की पहचान लकी निषाद के रूप में हुई है। तहरीर मिलते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल में फॉरेंसिक सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारी जुटाई जा रही है, जिसका निरीक्षण एसएसपी द्वारा किया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने बताया कि परिजनों से बात की जा रही है। परिजनों द्वारा जिनका भी नाम प्रकाश में लाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मुकदमा दर्ज करते ही अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, कल जनपद गोरखपुर में शाम के समय पर थाना शाहपुर क्षेत्र के असरन चौकी के पास एक सूचना आई कि यहां पर गोली चलने की घटना हुई है। मौके पर जाकर जब पुलिस द्वारा जांच की गई तो ये जानकारी हुई कि विकास तिवारी नाम के व्यक्ति, जो कि मेडिकल स्टोर चलाते हैं, एक मूर्ति विसर्जन के जुलूस के साथ वो जा रहे थे, उसी में एक और व्यक्ति के साथ कुछ विवाद होने पर वहां पर फायरिंग की घटना हुई, जिसमें कि इनको फायरआर्म इंजरी हुई। तत्काल इनको मौके से मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया, जहाँ से इनको लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया था। लखनऊ पहुंचने से पहले ही इनकी दुखद मृत्यु हो गई है। बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें जो फायर करने वाले संदिग्ध का नाम लकी निषाद बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त होते ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज व अन्य जानकारियां, मौके का मुआयना मेरे द्वारा, बाकी सीनियर अधिकारियों द्वारा किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर, तहरीर के आधार पर और पूछताछ के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। देखिए, उस समय पर घटनाक्रम किस तरह से हुआ, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उस जुलूस में, जो अन्य लोग सम्मिलित थे, उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवारजनों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। तहरीर में जो तथ्य अंकित किए जाएंगे, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। और उस समय पर वो चश्मदीद थे, उनसे भी जानकारी की जा रही है। जिसके ऊपर, जिसको एक्यूज़ किया जा रहा है, उसके आपराधिक इतिहास या उनकी पूछ की पूर्व की गतिविधियों के बारे में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों से जानकारी की जा रही है। सारी जानकारियां जुटाने के बाद इसमें जो है पूरी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बहुत सख्त कार्रवाई अभियुक्त के खिलाफ की जाएगी।